कहराना, ऐसन देह निरालप बोरे मुवल छुए नहीं कोई हो, दंडवक डोरिया तोरी लराजिन जो कोटिन धन हुई हो, उर्ध निश्वासा उपजित रासा हक राजिन परिवारा हो, जो कोई आवे बेग चलावे कल एक रहन न पाई हो, चंदन चीर चतुर सब लेपे गरे गज मुक्ता के हारा हो, चौसठ गीत मुए तन लूटे जम्बुकन वोद्र विदारा हो, कहे कबीर सुनो हो संतो ज्ञान हीन मत हीना हो, एक एक दिना या ही गति सबकी कहा राव कह दीना हो, शरीर की क्षणभंगुरता पर इस कहरा में सगुरु कबीर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि ऐसा ने देह निरालप भौरे, ऐ भौरे ऐ पगले, जिस शरीर का, शरीर की सुंदरता का, शरीर का बल का तुम्हें बड़ा अहंकार है, जिस शरीर को तुम स्थाई मानते हो कि हम बहुत दिन तक जीवित रहेंगे, तुम्हारा वह शरीर निरा अल्प है, अत्यंत क्षणभंगुर है, कब समाप्त हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि आदमी कितना दिन तक जीवित रहेगा। रहबे को अचरज अहे जात असंभव कौन, शाह कहते हैं ये शरीर तो दस द्वारे का पिंजरा है, जीव भी पक्षी इसमें बैठा हुआ है, इसके उड़ जाने में ही आश्चर्य है, रहने में आश्चर्य नहीं है। जब दसों दरवाजे खुले हों, पक्षी बैठा हो तो आश्चर्य उसमें होगा, उड़ने में कौन आश्चर्य, किसी की मौत का समाचार हम सुनते हैं, लोग सुनते हैं, और खास कर कहीं जवान हो, 25, 28, 30, 40, 50, 60 साल की उम्र का भी हो, तो लोग कहते हैं अरे कैसे मर गया, कैसे जीवित रहा, यह लोग नहीं प्रश्न करते हैं। शरीर तो छूटना ही है, कब छूट जाएगा कुछ पता नहीं है, यह निरा अल्प है, अत्यंत क्षणभंगुर है। लोग समझते रहते हैं कि हम तो बहुत दिन तक जीवित रहेंगे, दूसरे मर गए तो मर गए, हमारा शरीर तो मजबूत है, हमारी हड्डियां मजबूत है, और हम बराबर पौष्टिक पौष्टिक चीजें खा रहे हैं, संयम से रह रहे हैं, अभी हमारी मौत थोड़े होगी, लेकिन मौत का कोई ठिकाना नहीं है कि कब आएगी और उठाकर चल देगी, इसलिए न तो
अधिक दिनों तक जीवित रहेंगे इस आशा में अपने कल्याण कार्य को भूलना चाहिए और न शरीर का अहंकार करना चाहिए। आदमी सदैव प्रमाद में जीता है, कर्तव्य कर्मों की ओर से वह सदैव उदासीन रहता है, सोचता है बहुत समय है अभी, कौन जल्दी है, और इसी प्रमाद में टालता जाता है, टालता जाता है, कल करूंगा कल करूंगा, आज तो ये काम है, कल इस काम को कर लूंगा, कल्याण के काम को कल कल पर टालता चला जाता है, और कल नहीं आता है, काल आ जाता है। इस शरीर की दूसरी विशेषता क्या है? पहली विशेषता आप बताते हैं, यह निरा अल्प है, टेंशन भंगुर है। और दूसरी विशेषता क्या है इसकी? मुवल छुए नहीं कोई हो, ऐसा गंदा है कि मर जाने के बाद, जीव निकल जाने के बाद इसे कोई छूना नहीं चाहता। लोग दिखावा है, किसी की मौत होती है तो लोग अंतिम दर्शन के लिए आते हैं, एक रस्म है, मोहवश भले कुछ उसे लोग छू ले, लेकिन है तो ये शरीर गंदा, शरीर में लगी हुई जितनी सामग्री है उसमें से कौन पवित्र है? हड्डी, मांस, मल, मूत, थूक, कफ, खून, इनमें से कौन पवित्र है? और इन्हीं सब का तो आकर है यह शरीर, इन्हीं सब के समुच्चय से तो बना हुआ है। चाम अलग कर दो, मांस अलग, हड्डी अलग, टट्टी पेशाब खून अलग, और फिर देखो इसकी पवित्रता को। चाम ही अलग कर दो खाली, तो इसे देखने का मन नहीं कहेगा, ये तो सबका संयुक्त स्वरूप खड़ा हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ी चमक दिखाई पड़ती है, लेकिन है ये गंदा। बस इसकी विशेषता यही है कि इसमें आत्मकल्याण और लोक कल्याण का काम किया जा सकता है, और आत्मकल्याण लोक कल्याण का काम नहीं किया गया तो बस वही बात है जो गुरुदेव जी कहा करते हैं कि आत्मकल्याण लोक कल्याण का काम आदमी नहीं किया तो टट्टी के साथ बनाने का कारखाना चलाता रहा जिंदगी भर, क्या बनता है शरीर में? किसी फैक्ट्री में जहां कोई मशीन हो, कच्चा सामान डालो, कच्चा माल डालो, तो वहां से पक्का माल तैयार होकर के निकलता है, बढ़िया बढ़िया माल तैयार होकर के निकलता है। और शरीर ऐसा कारखाना है कि पक्का पक्का माल डालो और क्या निकलता है सबको मालूम है, उल्टा ही इसमें से। तो आत्मकल्याण लोक कल्याण का काम कर लिया तो इस शरीर की सफलता है, इसी के लिए मिला भी है। लेकिन आदमी यह दोनों काम नहीं करता, इसमें मोह कर लेता है, इसे भोग का साधन समझ करके जीवन भर गलत कामों में डूबा रहता है। डंडबक डोरिया तोरी लराइन जो कोटिन धन हुई हो, चाहे करोड़पति क्यों, अरबपति आदमी क्यों न मरे, उसके मर जाने पर लोग कमर की करधनी को भी तोड़ लेते हैं, और न भी तोड़े तो क्या फर्क पड़ता है, वो जी के साथ जाएगा थोड़े। कोई आदमी मर गया
उसके साथ 10 20 50 किलो सोना डाल दो, 10 दो चार करोड़ रुपया रख दो, खाने पीने का सामान रख दो, तो कहो सब जी के साथ जाएंगे थोड़े हो, जहां तहां कब्र में सारी चीजें पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। जैसे जीव शरीर छोड़कर चला गया, फिर सब के सब यहीं रह जाना है, उसके साथ तृण भी नहीं जाता। विश्वास लोगों का रहा है, ये भी विश्वास रहा है कि जिस शरीर छोड़कर जाता है तो फिर समय से इस शरीर में आता है, इसके प्रति मोह रहता है, या जहां हमको चीजें रख दे उसके साथ तो वो चीजें वहां जाएंगी। मिस्र की पिरामिडों में जो तमाम चीजें मिलती है वो इसी विश्वास के साथ, कोई राजा मर जाता था तो उसके मरने के बाद उसके शव को तो दफनाया जाता था, उसकी जितनी रानियां थी सब उसी कब्र में दफना दिया जाता था जीवित, और सोने और पलंग, सोने चांदी के बर्तन, खाने पीने के सामान और कितने कितने चीजें उसके साथ दफना दिए जाता था। लेकिन फायदा क्या है, जी के साथ जाने वाला थोड़ा है। तो साहब कहते हैं कि चाहे तुम करोड़ों की संपत्ति के मालिक क्यों ना हो, मरने के बाद तो तुम्हारे साथ तृण भी नहीं जाएगा, तुम्हारे कमर की करधनी को भी लोग तोड़ देंगे और निकाल लेंगे, तो फिर किसका अहंकार करते हैं। उर्ध निश्वासा उपजित राशा हकराइन परिवारा हो, किसी का हार्ट अटैक हो गया तो तुरंत शरीर छूट गया, कोई किसी कारणवश बेहोश हो गया और बेहोशी में शरीर छूट गया तो उसे भी कुछ पता नहीं। लेकिन किसी का शरीर धीरे धीरे छूटता है तो पहले शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है, जर्जर होता है, और जितनी जर्जरता बढ़ती जाती है फिर धीरे धीरे सांस लेने में कष्ट होने शुरू होता है, और इस समय ऐसा आता है कि जब उल्टा सांस चलने लगता है, ऊपर की तरफ चलने लगता है, सांस लेने में कष्ट होने लगा, तब लोगों को लगा कि अब मेरा शरीर रह नहीं जाएगा, या परिवार वालों को लगता है कि मेरा शरीर रह नहीं जाएगा, तब वह अपने परिवार वालों को बुलाता है, सोचता है कि सबको एक नजर देख लूं। अरे जिंदगी भर हजारों नजर देख चुके हो, उससे तृप्ति नहीं हुई तो अब एक नजर देखने में क्या तृप्ति होगी। और ये सोचता है क्या, तो मैं जा ही रहा हूं, अपने बाल बच्चों को, प्यारी पत्नी को किसी के हाथों सौंप दूं, उन सब के बिछुड़ने की याद करके आदमी रोता है, लेकिन मौत छोड़ने वाली थोड़े है, वो बड़ी निर्दय है, वह किसी पर कोई मुलाहिजा नहीं करती है। कहते हैं उर्ध निश्वासा उपजिता राशा, जब श्वास ऊपर की तरफ चलने लगा तो आदमी भयभीत हो जाता है। भय होने का कारण क्या है, मुंह, मुंह के अलावा और कोई पीड़ा नहीं है। एक विवेकवान वैराग्यवान पुरुष है और एक मोही व्यक्ति है,
दोनों को या पक्का विश्वास दिला दिया जाए या दोनों को पक्का विश्वास हो गया किसी प्रकार से कि कल दोपहर 12 बजे हमारा शरीर छूट जाएगा, तो दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। विवेकवान को विश्वास हो गया कि कल 12 बजे दोपहर शरीर छूट जाएगा, तब वह सब तरफ अपने मन को समेट कर आत्मस्थ होने की साधना में लग जाएगा। वो सोचेगा कि इस शरीर जो उपाधि का घर था, अब इसे छूटने का, मुक्त होने का समय आ गया है। अच्छा हुआ कि प्रारब्ध कर्मों का अंत हुआ, अब मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। और सोचेगा कि ये स्वप्न की दुनिया अब छूट रही है, तो सब तरफ से अपने मन को समेटेगा, आत्मस्थ होने की साधना में वह लग जाएगा। मोही व्यक्ति को पता चल जाएगा कि कल दोपहर तक मेरा शरीर छूट जाएगा, तो अत्यंत व्याकुल हो जाएगा। सबको बुलाएगा, कहे भैया बिटिया को फोन करो, बहू को फोन करो, अमुक को बुलाओ, अमुक को बुलाओ, सबको बुलाना चाहेगा। सोचेगा कि अब तो सब के सब का वियोग हो जाना है, और वह अत्यंत पीड़ित रहेगा उतने समय तक। शरीर छूटने के समय कोई खास पीड़ा नहीं होती है, कोई रोगी व्यक्ति हो बात अलग है, पीड़ा होती है मोह के कारण। मोही व्यक्ति को, संसारासक्त व्यक्ति को शरीर की पीड़ा भले न हो, उसे मानसिक पीड़ा भयंकर होती है। इसके विपरीत ज्ञानी व्यक्ति को शरीर में भले खूब पीड़ा हो रही हो, लेकिन मन शांत रहता है, उसे मानसिक पीड़ा नहीं होती है। तो उर्ध्वनि स्वासा उपजितरासा हंकरायन परिवार हो संतारासक्त मोही व्यक्ति मौत का समय नजदीक जान करके उसके मन में बड़ी पीड़ा होती है, और वह अपने कुल कुटुंब परिवार वालों को बुलाता है कि उन्हें देख लूं, या उन्हें जिम्मेदारी सौंप दूं, ये बता दूं कि किससे किससे क्या क्या लेना देना है। अब फिर शरीर छूट गया तो होता क्या है कि जो कोई आवे बेग चलावे, पल एक रहन न पाई हो। जो कोई आता है वो तो कहता भैया अब इसे जल्दी ठिकाने लगा दो, अब रख करके करोगे भी क्या, जिससे नाता था वो हंसा तो उड़ गया, अब तो मिट्टी पड़ी हुई है। चाहे राजा हो, रंग हो, चाहे कोई हो, जो लोग आए थे छुटने को चाह जल्दी जल्दी से गाड़ना फेंकना या फूकना चाहते हैं, और रख करके कोई करेगा भी क्या, कोई फायदा तो है नहीं उससे। कोई रख भी ले तो जितना जीवित अवस्था में खर्चा होता था उससे कई गुना खर्च बढ़ जाएगा। जैसे जीव निकला वैसे शरीर में सड़न शुरू हो जाएगी। अब दवाई आगरा का कुछ लेप ना करो तो बस 10-12-14 घंटे में ही वो फूलना शुरू हो जाएगा, उसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। इसलिए लोग रख करके करेंगे भी क्या, और रख ले तो एक उपाधि का घर ही तो होगा, इसलिए मजबूरी है फूकना दिलाना या गाड़ना या फेंक देना। तो जो कोई आता है कहता भैया आप इसे रखो मत, जल्दी जल्दी से ठिकाने लगा दो,
चंदन चीर चतुर तब लेपे गरगज मुक्ता के हारा हो। चौथट गीध मुए तन लूटे जम्बुकन वो द्रविदारा हो। बहुत से लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, वे अपने शरीर पर चंदन का लेपन करते रहते हैं ताकि हमारे शरीर से सुगंध आती रहे, शरीर शीतल बना रहे। अब कोई बीमारी है, शरीर में कोई जलन हो रही है, तब वैद्य ने डॉक्टर ने कह दिया है तो एक मजबूरी है, लेकिन हमारा शरीर सुगंधित बना रहे हैं, इस दुराशा से चंदन का लेप करना सिवा अज्ञान के और क्या है। तो बहुत से लोग अपने शरीर में चंदन का लेपन करते हैं, सुंदर सुंदर कीमती कीमती वस्त्र पहनते हैं, एक से एक खाली दिखावा, कितना ही सजाओ शरीर को, भीतर तो ये गंदगी का आकर है ही। टट्टी को सोने के पते से ढांक दो तो क्या होगा, दुर्गंध तो आएगी ना, सुगंध थोड़े आ जाएगी उससे। वस्त्र शरीर को ठंडी गर्मी कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए और शरीर के मर्यादा को ढके रखने के लिए है, श्रृंगार से क्या फायदा। लेकिन लोग फैशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। कल या परसों के अखबार में ही पढ़ा, अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ओबामा, उसकी पत्नी मिशेल एक कार्यक्रम में गई तो 34,000 रुपए का जूता पहन करके गई। अब फायदा क्या है, 34,000 में ही 34,00,000 का जूता पहन लो, उसे कौन सी बड़ाई हो जाएगी। लेकिन दिखावा, तो कीमती कीमती वस्त्र पहनते हैं, गले में गजमुक्ता हीरे पन्ने पोखराज आदि की माला पहनते हैं, लेकिन हुआ क्या, आदमी मर गया और शरीर कहीं सुनसान में छूट गया खुली जगह में, तो चील गीध उसे नोच नोच करके खाते हैं और जम्बुकन सियार पेट फाड़ते हैं। सुनसान में शरीर छूटा तो क्या होगा, कौवे आएंगे, चील आएंगे, गिद्ध आएंगे, नोचेंगे, वो थोड़ा सोचेंगे भाई देखो ये आदमी चंदन लेपन करता था, हाँ इसके शरीर को मत नोचो, ये हीरे पन्ने पोखराज के माला पहनता था, ये तो राजा बादशाह है इसके, या ये बहुत बड़ा वैराग्यवान पुरुष रहा है, इसके शरीर को फाड़ो मत। उसके लिए तो आदमी के शरीर केवल एक भोज्य पदार्थ रह जाता है बस, किसी का भी शरीर छूटे अंत में दशा होनी ही होनी है। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ज्ञान हीन मत हीना हो, एक एक दिना याह सबकी कहा राव कहा दीना हो। कबीर साहब कहते हैं ए संतो सुनो, जो लोग ज्ञान से हीन और मति से हीन है, विवेकहीन है, वे लोग अपने शरीर की अंतिम दशा को समझ नहीं पाते कि शरीर को अंत में धूल होना है या आग में जलना है। लेकिन कोई भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, राजा हो रंक हो, सबके शरीर की एक दिन ये दशा होनी ही है। इसलिए शरीर का अहंकार मत करो, शरीर के प्रति मोह मत करो, किंतु इस शरीर का केवल उपयोग करो आत्मकल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए, बाकी इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस शरीर संसार में रहते रहते जिसके मन से शरीर संसार का मोह मिट गया, मानो उसका जीवन पाना सफल हो गया।